Hey guys, this video is about PGT physics exam and मैंने already बता चुकी हूँ कि किस तरह से paper आता है, but let me repeat once again, this is PGT physics जो pattern change हो गया है and ये last year के मैं papers देना start कर दिया है. ये 2014 series चल रही है इस समय और हमारा ये है हमारा PGT physics जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट. पहला हमारा होता है, ये ऑलरेडी पीजीटी फिजिक्स है जो हमारा टायर टू एग्जाम्स है, जो हमारा मेन होता है. इसमें जनरल पेपर नहीं है, खाली हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप देख लीजिए क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर कीजिए गाइस. विदाउट वेस्टिंग मच टाइम काइंडली कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वेश्चंस एंड देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर्स. एंड मैं आंसर लिंक टू दिस PDF एंड PDF क्वेश्चन पेपर आपको लिंक मिल जाएगी. उसे ओपन करके आप प्रिंट आउट निकाल के आप ज़रूर सॉल्व कीजिए, बिकॉज लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर आते हैं. तो इसलिए मैंने स्टार्ट करा है 2014 से सॉल्व करना. मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आप 11, 12th का फिजिक्स तो कीजिए ही, प्लस आप एक केरला स्टेट बोर्ड का जो बुक आती है हमारी ICSE बोर्ड की, उसे आप ज़रूर सॉल्व कीजिए. एंड ट्रूमेंस की नेट की बुक या अरिहंत की नेट की बुक ज़रूर सॉल्व कीजिए, बिकॉज जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा. और पैटर्न अब की बार जनरल पेपर 100 नंबर का है एंड सब्जेक्ट 200 मार्क्स का है, तो उसमें से जो पासिंग क्राइटेरिया है वो अलग अलग है हमारा, वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ पहले वीडियो में, वो ज़रूर देखें आप. प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज 3 आवर्स आपको पता नहीं चलेगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे कितनी जल्दी निकल जाते हैं. तो ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें, आप टाइमली प्रैक्टिस करें. एंड MCQ एटलीस्ट अगर आप एक बुक पढ़ रहे हैं तो उसे एक बुक को कम से कम 5 बार पढ़ें. इट्स नॉट दैट कि यू आर नॉट इंटेलिजेंट और यू आर नॉट हार्ड वर्किंग, इसलिए क्योंकि वहाँ पर टाइम की प्रॉब्लम रहती है. सबसे बड़ा टाइम का ही खेल है. अगर आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस तो हो सकता है कि वो उसमें से भी क्वेश्चंस आ जाएं एंड आपको आंसर याद हो, तो उससे आपका ही टाइम सेव होगा. तो इस समय आपको बहुत अच्छे से काम लेना होगा, बहुत समझदारी से काम लेना होगा, ताकि आपका ये क्लियर एग्ज़ाम हो जाए. यू कैन नॉट वेट फॉर अनदर एग्ज़ाम टू क्लियर.
दैट्स इट क्वेश्चन गाइज. हमारे टोटल इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं. सो हियर द एग्जामिनेशन स्टॉप्स. देन उसके बाद आता है सब्जेक्टिव, जो अब हमारा सब्जेक्टिव होता नहीं है, बट अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो यू विल गेट टू नो कि क्या क्या टॉपिक्स आ जाते हैं. राइट गाइज, तो दिस इज़ द ओनली थिंग हमारा. दिस नाउ एंड्स एंड आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए. इन क्वेश्चन को मैं लिंक ज़रूर आपको सेंड करूँगी, आप नीचे देख लीजिए. एंड गाइज कीप प्रैक्टिसिंग. एनी प्रॉब्लम कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो. And keep practicing. Ta-da!